नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष लुनिया और आप देख रहे हैं ऑल टैलेंट सिविल। दोस्तों, जब भी हम कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है दोस्तों जीना को सही तरीके से बनाना। दोस्तों, जीना सही तरीके से बनाने के लिए उसकी सही विधि हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमें सही विधि हमें नहीं मालूम है तो हम जीना सही तरीके से नहीं बना सकते हैं। अगर दोस्तों जीने की सही विधि आपको मालूम है तो आप हर तरीके से हर प्रकार का जीना बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने जीने के ऊपर से 4-5 वीडियो और भी बना दिया हूँ। उसके बाद मैंने सोचा शायद इस विषय में मुझे वीडियो बनाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, कुछ भाइयों के मुझे कमेंट मिले हैं तो वो जानना चाहते हैं हमने स्लेप डाल दिया, यानी सेल्फ के जीने की स्लोप की सेल्फ डाल दिया है, यानी कॉन्क्रीटिंग का ये सेल्फ उन्होंने डाल दिया। अब दोस्तों, उनका कहना था कि हम सेल्फ के ऊपर से हमें स्टेप हमें कैसे निकालना है। उसके बाद में उनका कहना था कि हमें स्टेप काटना है, हमें ऐसी नत्ती बताइए कि हम पूरी स्टेप एक जैसी काट लें और इसकी नत्ती का जो तरीका है वो हमें जानना है। दोस्तों, इस विषय में मैंने बहुत वीडियो बना दिया है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो थोड़ी अलग है, इस कारण मैंने इस पर वीडियो बनाने का सोचा ताकि आप लोगों को इससे काफ़ी फायदा मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो स्लोप डालने के बाद में होने वाली नत्ती की वीडियो है। चाहे तो आप इस नत्ती से स्लोप भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही नत्ती स्टेप में भी होती है और यही नत्ती हमें स्लोप में भी यूज होती है, यानी एक ही फॉर्मूला से हमें दोनों काम करना पड़ता है। अब दोस्तों, इस विषय में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको इस विषय में आपको अच्छी नॉलेज है या आपको पता है तो आपके लिए ये वीडियो कोई काम के लिए नहीं है। दोस्तों, अगर आपको इस विषय में नहीं मालूम है या आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और एक भी पार्ट मिस मत करिए, क्योंकि आप मिस कर देंगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी जो आपके कोई फायदे कोई काम में आने वाली नहीं है। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा टाइम ना बढ़ाते हुए सीधे अब हम सीधे टॉपिक पर आते हैं और सीधे हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टेप निकालने के लिए सबसे पहले हमें नप्ती करनी पड़ती है जगह की। नप्ती करने के बाद में हमें पता होता है कि हमें कितने स्टेप लेना है और हमें कितने स्टेप यहाँ पर आ रही है। दोस्तों, नप्ती की विधि आपको बता देता हूँ, आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। फिलहाल ये एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से उसे उस नप्ती के हिसाब से जो आपने आरसीसी कॉन्क्रीटिंग स्लोप डाली है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये केवल एग्जाम्पल है, इससे आप सीख सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपकी ये 4 इंच की स्लोप है तो हमें यहाँ से नप्ती करना है, यानी स्लोप हमारी यहाँ से चली हुई है, यहाँ से हमारी स्लोप चली हुई है, यहाँ तक हमारी स्लोप आई हुई है। दोस्तों, हमें यह सिधाई देख के हमें यहाँ से नप्ती करना होगा। ये हमारी नप्ती कितनी आ रही है इसे नापना है और उसके बाद में हमारी ये हाइट नापना है। और हाइट दोस्तों, यहाँ से हमारी जमीन से हाइट, हमें जमीन से यहाँ से टॉप लेवल तक हमें हाइट नापना है कि कितने हाइट आ रही है। दोस्तों, एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जब भी आप नप्ती करें तो लैंडिंग के बाद में नप्ती करें। दोस्तों, यहाँ लैंडिंग को आप नप्ती में छोड़ दीजिए, जहाँ पर हमारी लैंडिंग होती है, जहाँ पे स्टेप होती है, जो चौक रहता है हमारी स्टेप के बाद में, जो चौक छोड़ते हैं हम जहाँ पे खड़े होने के लिए चौक छोड़ा जाता है, उस जगह को छोड़ दीजिए स्टेप में। केवल स्टेप में हमें ये जगह छोड़ना है और आप ये स्लोप भी डालेंगे नीचे वाला, ये 4 इंच का स्लोप है, उसमें भी ये लैंडिंग आपकी छोड़ के नप्ती करिएगा, तभी आपका ये नप्ती सही आएगी। दोस्तों, ये चौक छोड़ के हमें ये हमारी वाल आ गई है और यहाँ से हमने ये खड़ा डंडा इसलिए लगाया है ताकि इसकी हाइट आपको बता सकूं। दोस्तों, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, यहां से हमारी ये लैंडिंग की है, जहां पर ये खत्म हुई है लैंडिंग हमारी, इसकी लंबाई है 140 इंच। और दोस्तों, एक चीज और बता देना चाहता हूं, आप जो भी नाप ले, नप्ती ले, आप फिट में नाप नहीं ले, केवल इंचों में नाप ले। अगर फिट में निकल रहा है
तो उसे इंच में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम नप्ति भी इंचों में ही करेंगे। दोस्तों 140 इंच आपका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। और दोस्तों कुछ लोग यहाँ से स्लोप को नापते हैं, जो कि तरीका गलत है। इससे कोई भी स्टेप नहीं निकलता, हमें ये स्लोप नहीं नापना है, हमें केवल यहाँ से सीधा नाप लेना है। अब हमें दोस्तों 140 इंच में हमें स्टेप, हमारी ये चौड़ाई में जो हमारी स्टेप है ये वाली, हमें ये कितने इंची रखना है। ये हमारी जो चौड़ी वाली स्टेप है जिस पर हम पैर रखते हैं, वो हमें कितने इंच की लेना है। दोस्तों नॉर्मली हमारी 10 इंच की भी चलती है, 12 इंच की भी ये स्टेप होती है। दोस्तों जो अधिकतर यूज़ होने वाली रहती है वो 10 इंची में हमारे यूज़ होता है, इसलिए मैं नप्ती भी 10 इंची की बताऊंगा। दोस्तों 140 इंच में हमें 10 इंची के ये स्टेप लेना है, तो हमें 10 इंची में भाग देना है। 140 इंच में 10 इंची का भाग देना है, हमारा आया आंसर 14। दोस्तों जो आंसर आया है वो हमारा ये स्टेप है, ये वाली जिस पर हम पैर रखते हैं, यानी हमारी 14 स्टेप ये वाली आएंगी। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि 14 स्टेप हमारी ये वाली आएंगी, तो 14 स्टेप हमारी ये खड़ी वाली भी आएंगी। अब हमें 14 स्टेप खड़ी भी लेना है। अब हमें पता नहीं है कि हमें कितने इंच की हम खड़ी स्टेप लेंगे जब जाके हमारी 14 स्टेप बनेगी। दोस्तों इसका भी मैंने क्लियर कर दिया है, मैंने इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया ताकि आपके लिए ये वीडियो लंबा ना रहे, इसलिए पूरा क्लियर करके आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अब हमें क्या करना है, पूरी हाइट यहाँ से हमारी ये कॉन्क्रीटिंग की टॉप से हमारी बॉटम तक, जमीन तक पूरी हाइट नापना है। अब दोस्तों मान लीजिए 84 इंच हमारी ये हाइट हुई है, तो आप जितनी भी हाइट हो उसका 84 में भाग देंगे 14 का, यानी हमारी जो 14 स्टेप ये वाली आएंगी तो 14 का भाग दीजिए। अगर आपके में 15 का स्टेप आए तो 15 का भाग दीजिए, 18 स्टेप आए तो 18 का भाग दे दीजिए पूरे हाइट में। दोस्तों जो भी आंसर आया हमारे, जैसे ये 6 आंसर आया, तो दोस्तों हमारी ये खड़ी स्टेप की हाइट हमारी 6 इंची रहेगी जब जाके हमें 14 स्टेप हमारी आएंगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे गणित पूरा क्लियर हो गया है, हमारी 10 इंची की ये वाली स्टेप बन रही है और 6 इंची की ये वाली स्टेप बनेगी, और टोटल जो स्टेप बनेगी दोस्तों वो है 14 स्टेप हमारी बनेगी। दोस्तों इसी प्रकार की नप्ती हम करके हमारे घर की स्लोप की स्टेप निकाल सकते हैं।